हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है SSC कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बंपर 1600 DEO LDC जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 19,900 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 92,300 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच है, 1 अगस्त 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, वहीं PWD SC ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ऑल अदर कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये, जबकि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में पे किया जा सकेगा दोस्तों। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भरते हो तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 9 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 8 जून 2023 तक चलेगी। वहीं ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 10 जून 2023 रखी गई है। अगर वहीं बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफलाइन चालान जनरेशन की क्या रखी गई है, तो ये 11 जून रखी गई है। वहीं चालान के थ्रू पेमेंट की लास्ट डेट 12 जून 2023 रखी गई है। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया तो उसे आप 14 से लेकर 15 जून तक करेक्ट कर पाओगे। वहीं आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो अगस्त 2023 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।